हेलो गाइस, आपका स्वागत है श्रुति रेसिपी में। और आज हम बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप तक न्यू वीडियो पर नोटिफिकेशन पहुंचे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन लिया है, उसमें हल्दी मिर्च मसाला जो भी है वो सब मिक्स किया हुआ है। और उसके बाद मैंने एक कप दही डाला हुआ है, उसको भी मिक्स किया। यहाँ पर प्याज मैंने भाँज के लिया हुआ था, ज़्यादा भाँज के लिया हुआ था, उसमें से इस तरह से डाल दूँगी। टमाटो और चिल्ली और धनिया आने एक कप मैंने डाला हुआ घी, सबको मिक्स करके अच्छे से हम इसको आधा घंटा के लिए रेस्ट करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ढाई ढाई कप चावल लिया हुआ है, बिरयानी चावल। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 6 कप पानी लिया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पर खड़े मसाले लिए हैं, आप देख सकते हैं तरह। और उसके बाद फिर हम पतीले में पानी गर्म किए हैं, उसमें सारे मसालों को मिक्स किए हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर चावल को आधा पकाएंगे, पूरा नहीं पकाएंगे, आप देख सकते हो इस तरह से मैं पका रही हूँ। वैसे आधा पकाएंगे, छू छू के देख लेंगे पका है कि नहीं। आधा पकने के बाद हम पानी को अलग निकाल देंगे इस तरह छानने में। उसके बाद हम एक पतीला लेके उसमें 1 कप तेल डाल के इस तरह से चिकन को लेयर रखेंगे। उसके ऊपर चावल को अच्छे से इस तरह से डाल दें। उसके बाद मैंने कांदा भाँज के लिया था वो डाला है, और बीच में मैंने यहाँ पर तेल डाला हुआ है। उसके बाद सारे ऊपर से कांदा का जो मैंने भाँज के रखा था वो, और थोड़ा सा कलर डाला हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद मैंने एक कपड़ा से इसको लपेट के रखा है ताकि इससे वाप जो है रहे, उससे पके धीमी आँच में पकाने वाले वाप से जो आधा बचा था ना वो। उसके बाद हम इसको अच्छे से ढक के इस तरह से दबा के थोड़ा रख देंगे। रख में आप देख सकते हो इस तरह से बन के रेडी है हमारा चिकन बिरयानी। आप भी ट्राई कीजिए। थैंक यू।